मध्य प्रदेश के कुशीनगर में 30 अक्टूबर को दो बाइक सवार युवकों द्वारा चोकसी ज्वेलर्स पर किए गए हवाई फायर के सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। घटना को अंजाम देने में तीसरा आरोपी भी पुलिस की पकड़ में आ गया। आरोपियों से एक देसी पिस्टल और कुछ कारतूस बरामद किए गए। औसतन 23-24 वर्ष के तीनों आरोपी सेंधवा के रहने वाले हैं। आरोपियों को पकड़ने में विगत 2 माह से स्थानीय पुलिस द्वारा खरगोन पुलिस के साथ संयुक्त रूप से प्रयास किए जा रहे थे। उक्त घटना का पर्दाफाश करने में SDOP कुक्षी मनोहर सिंह बारिया और TI कमल सिंह पवार की टीम ने कड़ी मेहनत की और लगन से आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। पुलिस अधीक्षक धार आदित्य प्रताप सिंह द्वारा इस सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के उत्साहवर्धन हेतु पुरस्कार देने की घोषणा की। कुक्षी से महेंद्र सिंह कन्नौज की रिपोर्ट। और तुम्हारे दो अन्य साथी कौन है? आदिल और उस्मान। दिनांक 30/10/2019 को महात्मा गांधी मार्ग चोकसी ज्वेलर्स के यहाँ पर जो फायर की घटना घटित हुई है उसमें एक मास्टरमाइंड को पकड़ा है जिसका नाम है जहीर पिता जहांगीर मंसूरी। ये निवासी रहने वाला है, जोगवाड़ा रोड सेंधवा का रहने वाला है। और सब अपन ने पूरा पूछताछ करी। पूछताछ के बाद उन्होंने ये बताया था कि करीबन 10 से 15 लाख की फिरौती मांग करने की नीयत से चोकसी ज्वेलर्स में उसको बहिष्कारित किया है और बहिष्कारित करने के बाद उससे उनसे पैसा मांगना बताया। इनमें कौन कौन सी धाराएं निरूपित की? अपराध क्रमांक 633/19 है और जिसमें 307, 336, 2527 की धारा कार्रवाई की गई। सभी आरोपी पकड़ में आ गए हैं क्या? इसमें मास्टरमाइंड जहीर पकड़ा गया है और इसके अलावा बड़वानी पुलिस और खरगोन जिले की पुलिस को भी संपर्क सूचना साधे गए और वहाँ से 2 मुलजिम पकड़ाए गए अपने सेंधवा पुलिस के द्वारा, उस्मान और आदिल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।